हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। ऑल इज हियर बाय प्रिया। टुडे वी विल सी हाउ टू मेक अ खमन ढोकला रेसिपी। सो डोंट वेस्ट टाइम, लेट्स सी अवर रेसिपी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बनाया हुआ है। मैंने यहाँ पर सफ़ेद तिल ली है, काली सरसों ली है, यहाँ पर मैंने पीसी हुई चीनी ली है, करी पत्ता लिया है मैंने, 2 से 3 हरी मिर्च ली है, नींबू लिया हुआ है, यहाँ पर मैंने नींबू का फूल लिया है जिसे सैट्रिक एसिड कहते हैं, ये मेरा बेकिंग सोडा है यानी कि मीठा सोडा, रिफाइंड ऑयल लिया है, हींग ली है मैंने और हल्दी पाउडर लिया है, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक लिया है और मैंने बेसन लिया हुआ है। बेसन मैं आपको कप में दिखा रही हूँ, लेकिन यहाँ पर मैंने जो ये कप है 240 ml का है, इस कप से 2 कप बेसन मैं ऐड करूँगी। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इस तरह का बाउल लिया है, इसमें अनफ्लेयर्ड ऑयल ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 2 स्पून ऑयल ऐड किए हैं, 1 पिंच हींग ऐड करेंगे और इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग शुगर ऐड करेंगे। शुगर आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हल्दी सिर्फ हमें 2 पिंच ऐड करनी है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा हल्दी ऐड करेंगे तो आपके ढोकले में ऊपर रेडनेस आ जाती है। और नींबू का फूल मैंने ऐड किया है, मैंने यहाँ पर 2 कप लिया था 240 ml से बेसन। तो यहाँ पर हम 1 टेबल स्पून फूल लिया है नींबू का और अदरक हरी मिर्च का लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है और इसे अच्छे से विस्क कर लेते हैं। इसे हम विस्क कर लेंगे जिससे कि सारे इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे पानी। पानी आप 2 से 3 चम्मच यूज़ कर सकते हैं, इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसे अच्छे से हम विस्क कर लेते हैं, इतना विस्क करेंगे कि हल्दी बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। अब यहाँ पर हमने बेसन लिया है और बेसन हमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, एक साथ ऐड नहीं करेंगे वरना बेसन में लम्स पड़ जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर बेसन थोड़ा थोड़ा थिक होने लगा है, तो इसमें चलिए हम थोड़ा सा और बेसन ऐड कर देते हैं। इसी तरह से आपको 2 से 3 पार्ट में जितनी क्वांटिटी में आप बना रहे हैं उस तरह से बेसन थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। तो देखिए, यहाँ पर बैटर बहुत गाढ़ा होने लगा है। तो यहाँ पर मैं जिस कप से बेसन ली थी उसी कप से मैं पानी ली हूँ और इसे मिक्स करेंगे। पानी एक साथ नहीं मिक्स करेंगे, थोड़ा थोड़ा मिक्स करेंगे जिससे कि बैटर की कंसिस्टेंसी हमें समझ में आए। बैटर बहुत ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए और न ही बहुत ज़्यादा थिक होना चाहिए। तो देखिए, इस तरह से मैंने थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड किया है। जैसे कि आप घर पर पकौड़े बनाते हैं ना, तो उसे लपेटने के लिए आप यूज़ करते हैं बेसन, उससे थोड़ा सा पतला आपको बैटर बनाना है। ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ। अब यहाँ पर मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड किया है। सॉल्ट आप हिसाब से ऐड करिएगा, क्योंकि हम बाद में तड़के में भी सॉल्ट और शुगर ऐड करेंगे। इसे अच्छे से हमें 4 से 5 मिनट तक विस्क कर लेना है, जिससे कि घोल में जो हमारा है इसमें एयर अच्छे से आ जाए। जब भी हम बाहर खाते हैं ढोकला, तो वो इसमें हाथ से अच्छे से मिक्स करते हैं, तो यहाँ पर हम इसे इसीलिए घर पर विस्कर के थ्रू मिक्स कर रहे हैं। और दोस्तों, सबसे मेन बात है, बेसन को आपको अच्छे से छान लेना है, वरना आपका ये ढोकला जो है ये फ्लफी नहीं बनेगा। देखिए, बबल्स इसमें आने लगे हैं थोड़े थोड़े से। तो इस स्टेज पे हमें इसे अच्छे से ढककर 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देना है। देखिए, 10 मिनट तक जब तक ये हम रखते हैं, तब तक हम स्टीमर में पानी गर्म कर लेते हैं। तो मेरे पास स्टीमर नहीं है, इसलिए मैंने इस तरह का बड़ा सा भगोना लिया है और इसमें मैं इस तरह का स्टैंड रखूँगी। मैंने यहाँ पर 1 ग्लास पानी लिया था और स्टैंड रख दिया और इसे अच्छे से कवर कर दिया है। कवर अच्छे से करिएगा वरना एयर पास होगी। तो चलिए, यहाँ पर 10 मिनट कंप्लीट हो गए हैं। अब देखिए, ये बैटर की कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक हो गई है, तो इसे हम 2 मिनट के लिए और विस्क कर लेते हैं। और यहाँ पर मैंने बेकिंग सोडा यानी कि हमारा मीठा सोडा जो खाने का होता है ना, उसे ऐड कर दिया है। अब इसे फटाफट मिक्स करने के बाद तुरंत मैंने यहाँ पर इसे ऑयल से ग्रीस किए हुए बाउल में हमें ट्रांसफ़र करना है और इसे हमें तुरंत जो हमने पानी गर्म होने के लिए रखा था उस जगह पर हमें इसे प्लेस कर देना है। तो चलिए, इसे हम इस तरह से
जिस भगोने में पानी गर्म किए हैं उसमें रख देते हैं ताकि ये अच्छे से बेक हो जाए। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे रख दिया है और इसे मैं 15 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर पकाऊंगी। अच्छे से ढकिएगा जिससे कि एयर पास ना हो, वरना ढोकला अच्छे से फ्लफ़ी नहीं बनेगा। तो यहाँ पर देखिए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। तो मैंने इस तरह की एक पिन ली है, आप चाहें तो नाइफ से चेक कर लीजिए, देखिए बिल्कुल क्लियर निकली है। तो ये ढोकला पक गया है और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा बैटर बचा था, मैंने इसे माइक्रोवेव में पकाया है और यहाँ पर इसमें कन्वेक्शन मोड सेलेक्ट करके मैंने इसे 180 डिग्री पर 30 मिनट के लिए सेट किया था। तो देखिए हमारा जो हमने भगोने में बनाया था कितना स्पॉन्जी बना है और देखिए इसमें जालियाँ कितनी परफेक्ट आई हैं। मैं इसे प्रेस कर रही हूँ कितनी तेज़ी से, फिर भी ये ऊपर आ जा रहा है। देखिए मैं इसे कट करके आपको दिखा रही हूँ, कट करने से ही आपको पता चल रहा होगा कितना बढ़िया ये दब रहा है। इससे पता चल रहा है कि हमारे ढोकले में कितना ज़्यादा स्पंज बना है। तो इसे अपने मनपसंद अकॉर्डिंग कट कर लीजिए। तो मैंने देखिए यहाँ पर इसे कट कर लिया, ये देखिए मैं एक पीस आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए पास से मैं देखिए प्रेस कर रही हूँ, फिर से ये ऊपर आ जा रहा है और ये देखिए कितनी परफेक्ट जाली बनी है। और ये देखिए माइक्रोवेव वाला भी मैं दिखा रही हूँ, इसे भी आपको दबा के ये देखिए इसका भी बहुत ही बढ़िया बना है और सिर्फ 25 मिनट्स में ये बनकर तैयार हो गया है। तो यहाँ पर देखिए तड़के की तैयारी के लिए मैंने यहाँ पर कढ़ाई में ऑयल डाल के गरम कर लिया है। इसमें मैंने सरसों ऐड कर दी है, सरसों चटक गई है तो हरी मिर्च मैंने 4 डाल दी है इसमें 20 से कट करके। यहाँ पर मैंने सफ़ेद तिल 1 टेबल स्पून ऐड किया है, ये टोटली ऑप्शनल है। करी पत्ते मैंने 15 से 20 ऐड किए हैं और इसे हल्का सा फ्राई कर लेंगे, हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। अब यहाँ पर मैंने 500 ml वाटर लिया है और इसे ऐड कर देंगे हम। पानी में खौल आने लगा है तो यहाँ पर हम टेस्ट के अकॉर्डिंग शुगर ऐड करेंगे। ध्यान से आप शुगर ऐड करिएगा, अगर आपको मीठा कम पसंद है तो कम ऐड करिएगा। थोड़ा सा सॉल्ट भी हमने ऐड कर दिया है, देखिए कितने अच्छे से हमारी चाशनी बनकर तैयार हो गई है। तो इसमें हम थोड़ा सा लेमन जूस ऐड कर देते हैं, यहाँ पर मैंने 1/2 लेमन जूस ऐड किया है और बॉयल अच्छे से हो जाए। चलिए अब यहाँ पर पक गया है, ये गैस का फ्लेम हम ऑफ़ कर देते हैं और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तब तक यहाँ पर हमने इसे एक प्लेट में अच्छे से सर्व कर लिया है ढोकले को और देखिए तड़का भी हमारा हल्का सा गुनगुना है। हमें गुनगुना ढोकला और गुनगुने तड़के पर ही इसे डालना है। तो देखिए दोनों चीज़ जब हल्की हल्की गर्म होगी तो बहुत अच्छे से ये अंदर तक के सॉफ्ट और इसमें रस फिल हो जाएगा। तो देखिए कितनी सॉफ्ट है ये, है ना बिल्कुल मार्केट स्टाइल का हमारा खमन ढोकला घर पर बनकर तैयार। तो फ्रेंड्स जो तरीका मैंने आपको बताया है, अगर आप बिल्कुल इसी तरीके से खमन ढोकला बनाएंगे तो 100% मेरी गारंटी है कि आपका ढोकला भी बिल्कुल मार्केट के ढोकले से बेहतर बनेगा। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप भी इसे अपने घर पर बनाएं और अपने अनुभव मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब के बगल में बेल का ऑप्शन है उसे प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे मेरी कोई भी नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। और हाँ दोस्तों, मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ यूँ ही शेयर करते रहिए। नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।